तो नई T20 टीम का हुआ ऐलान। सूर्य कुमार यादव होंगे T20 के नए कप्तान, लेकिन संजू सैमसंग और युजी चहल के करियर का हुआ काम तमाम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे चैनल पर। तो वर्ल्ड कप 2023 का फाइनल मुकाबला हारने के बाद फाइनली ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है, जिसके कप्तान होंगे सूर्य कुमार यादव, क्योंकि हार्दिक पांड्या फिलहाल अवेलेबल नहीं है, हार्दिक पांड्या इंजर्ड है, इसलिए सूर्य कुमार यादव को T20 का नया कप्तान बनाया गया है। लेकिन इसी के साथ संजू सैमसंग और युजी चहल के करियर का भी काम तमाम कर दिया गया है। तो वो कैसे हुआ ये आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको टीम बताएंगे। तो सूर्य कुमार यादव होंगे T20 के नए कप्तान, और उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन इस टीम के। तो सबसे पहले सूर्य कुमार यादव, उसके बाद ऋतुराज गायकवाड़, यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर की भी वापसी हो गई है, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, ईशान किशन और जितेश शर्मा, ये 2 विकेट कीपर बल्लेबाज इस टीम में रखे गए हैं, लेकिन संजू सैमसंग को इस टीम में नहीं चुना गया है। वही बात करें उसके बाद रवि बिश्नोई की यहां पर वापसी हुई है, लेकिन युजी चहल को मौका नहीं दिया गया है, ना ही वर्ल्ड कप में दिया गया था, ना ही एशिया कप में दिया गया था, जबकि वो आईपीएल 2023 के हाईएस्ट विकेट टेकर थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको ना तो एशिया कप में मौका मिला और ना ही वर्ल्ड कप में मौका मिला। और अब जो टीम इंडिया की वी टीम का अनाउंसमेंट हो रहा है, उसमें भी उनकी जगह नहीं बन रही है। तो यहां पर रवि बिश्नोई, उसके बाद अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान और मुकेश कुमार। तो यह है 15 सदस्यीय टीम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 5 मैचों की T20 सीरीज के लिए, लेकिन लास्ट यानी कि आखिरी 2 मुकाबलों के लिए श्रेयस अय्यर भी टीम से जुड़ेंगे और बतौर वाइस कैप्टन जुड़ेंगे। जिस तरीके से उन्होंने बल्लेबाजी की है वर्ल्ड कप 2023 के पूरे सीजन में, गजब की बल्लेबाजी की है, इसलिए मैनेजमेंट जो है वो उनको स्कीम ऑफ थिंग में लेकर आ रही है और वाइस कैप्टन के रूप में उनको भविष्य का कप्तान भी बनाया जा सकता है। तो यह है 15 सदस्यीय टीम, जिसमें सूर्य कुमार यादव कैप्टन होंगे, ऋतुराज गायकवाड़ वाइस कैप्टन होंगे, उसके बाद यशस्वी जायसवाल, तिलक वर्मा, रिंकू सिंह, वॉशिंगटन सुंदर, अक्षर पटेल, शिवम दुबे, ईशान किशन, जितेश शर्मा, रवि बिश्नोई, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा, आवेश खान, मुकेश कुमार। तो ये होगी 15 सदस्यीय टीम शुरुआती 3 मुकाबलों के लिए, और उसके बाद जो है आखिरी के 2 मुकाबलों के लिए श्रेष्ठ अय्यर भी टीम से जुड़ जाएंगे। लेकिन आपको बता दूं कि संजू सैमसंग और युजी चहल का करियर लगभग यहां पर समाप्त हो चुका है, क्योंकि संजू सैमसंग इससे पहले लगातार सीरीज में खेल रहे थे, चाहे वो T20 हो आयरलैंड के खिलाफ, चाहे वो वेस्टइंडीज के खिलाफ ODI सीरीज हो या फिर T20 सीरीज हो, उसमें भी उनको मौका मिला था। लेकिन फाइनली अब यहां पर, क्योंकि 2024 में T20 वर्ल्ड कप है और उसके लिए टीम तैयार करनी है, तो ऐसे में संजू सैमसंग का टीम में ना होना यह साबित करता है कि वो स्कीम ऑफ थिंग्स के नहीं है, और जो है वो T20 वर्ल्ड कप में उनको नहीं मौका दिया जाएगा। यही हाल है यहां पर युजी चहल का। युजी चहल को भी एशिया कप से बाहर रखा, वर्ल्ड कप से भी बाहर रखा, और उससे पहले जो सीरीज हुई, चाहे वो आयरलैंड के खिलाफ हो या फिर वेस्टइंडीज के खिलाफ हो, वहां पर भी उनको मौका नहीं दिया गया था, और यहां पर पूरी तरीके से फुल स्टॉप लगा दिया गया है यहां पर संजू सैमसंग के करियर पर और उसके बाद युजी चहल के करियर पर। कुछ और खिलाड़ी हैं जिसमें एक उमरान मलिक का नाम भी आता है। उमरान मलिक को लेकर भी चर्चा चल रही है कि उमरान मलिक को क्यों नहीं ट्राई किया जा रहा है T20 सीरीज में और ODIs में, क्योंकि वो भी अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन उसके बाद जो उनको एकदम ड्रॉप कर दिया गया और उसके बाद उनको नहीं चुना जा रहा है। तो बात कर लेते हैं T20 सीरीज की। तो 23 नवंबर से शुरू होगी T20 सीरीज, पहला मुकाबला 23 नवंबर को खेला जाएगा और ये मुकाबला विशाखापट्टनम में खेला जाएगा। वही दूसरा मुकाबला जो है वो 26 नवंबर को खेला जाएगा और ये मुकाबला तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। उसके बाद जो है वो तीसरा मुकाबला 28 नवंबर को खेला जाएगा और ये वो मुकाबला गुवाहाटी में खेला जाएगा। वही चौथा मुकाबला 1 दिसंबर को खेला जाएगा, वो रायपुर में खेला जाएगा। और पांचवा और आखिरी T20 मुकाबला है वो 3 दिसंबर को खेला जाएगा और वो मुकाबला चिन्नास्वामी बेंगलुरु में खेला जाएगा। तो ये है 5 मैचों की T20 सीरीज का शेड्यूल और टीम। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।